हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफ व्लॉग विद बीना में। तो गाइस, आज सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं करबी चित्रकूट, और वहाँ पर भंडारा किया है सासू माँ ने मेरी। वहाँ पर एक बजरंगबली का मंदिर है लैना बाबा, तो वहीं पर भंडारा है और कल रामायण वगैरह बैठी थी, तो वहीं पर हम भंडारे के लिए हम लोग जा रहे हैं। सब लोग इकट्ठा हैं, शिवम भी आए हुए हैं हैदराबाद से। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर करबी चित्रकूट। दोपहर के 2 बज गए हैं, तो चलते हैं अंदर। और गाइस, आने के बाद हमने फिर से चेंज किया, साड़ी वगैरह चेंज की, ऊपर जाके चाय वगैरह पी। उसके बाद हम लोग फटाफट से तैयार हुए और प्रेरिका ने बोला कि हम लोग तीनों लोगों के पास वही साड़ी है सेम, पर कलर चेंज है, तो हम लोग सब लोग वही पहनते हैं। तो सब लोगों ने एक ही तरह की साड़ी पहनी है। और अब बिट्टू है ये जो घर बंद कर रही है, और वहाँ पर लैना बाबा में सारे लोग वहाँ इकट्ठा हैं, शिवम, पुनीत, मम्मी, सब लोग वहाँ पर है। भंडारा शुरू है और हम लोग भी फटाफट से तैयार होकर वहीं पर पहुँचते हैं। ये हमेशा मोह माया में लगी रहती है। ये बिहान भाई हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। तो गाइस, हम लोगों ने एक ही तरह की साड़ी पहन ली है और तैयार हो चुके हैं, और अब जा रहे हैं वहाँ पर लैना बाबा। वहाँ पर भंडारा ऑलरेडी शुरू हो चुका है, हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं, और अब वहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले वहाँ पर दर्शन करेंगे और फिर भंडारे में हम लोग भी शामिल होंगे। गाइज, सबसे पहले हम लोग मंदिर में आए हैं और दर्शन करने के लिए, लेकिन गाइज यहाँ राम, सीता, लक्ष्मण जी हैं, उनके दर्शन हम लोग कर रहे हैं। जो बजरंगबली की का मंदिर है उनमें हम लोगों को दर्शन करने नहीं दिया जाता है, वहाँ पर सिर्फ जेंट्स लोग दर्शन करते हैं, लेडीज़ लोग नहीं जाती हैं। तो हम लोगों ने बाहर से बस दर्शन कर लिए। अब इसके बाद हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर भंडारा हो रहा है, और 12 बजे ही खाना वाना बन गया था वहाँ पर, और सब लोगों ने खिलाना शुरू कर दिया था। हम लोग यहाँ पर करीब 4 बजे आए हैं और चलते हैं, देखते हैं। ये है लैना बाबा का मंदिर जहाँ पर हम लोगों ने दूर से ही प्रणाम किया। तो गाइज, यहाँ पर ये मम्मी खड़ी हैं, यानी कि मेरी सासू माँ। यहाँ पर खाना बन रहा है और यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन रही हैं और कचौरी बन रही है, तो सब लोगों को गर्मा गर्म ही सर्व किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस साइड पर ऐसे पंगत लग रही है और सब लोग खा रहे हैं। और गाइज, 12-1 बजे से ही सब लोगों ने खाना स्टार्ट किया था और शाम के 6:30 बज गए थे, और हम लोग इस तरह से ऐसे बैठे हैं। और पूरा बहुत बड़े एरिया में है और बहुत लोग भंडारा करते हैं यहाँ पर शनिवार और मंगलवार। तो भंडारे में खाना बना था आलू कद्दू की सब्ज़ी और मटर पनीर की सब्ज़ी और रायता बूंदी का रसगुल्ला, सैलेड और कचौरी, पूड़ी, ये सारी चीज़ें बनी थी गाइस, और बहुत लोगों ने खाया। बहुत सारे लोग आ रहे थे, मिलने वाले भी, और वहाँ ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। ये पूरा वहाँ का एरिया है जो मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। तो बस इस तरह से लोग आते जा रहे थे और सब लोग खाते जा रहे थे, और फिर हम लोगों ने सबसे लास्ट में शाम को जब सब लोग चले गए गाइस, तब सब लोगों ने खाया। और बहुत टाइम बाद हम लोग पहुँचे थे चित्रकूट, तो सबके साथ मिलके परिवार के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने वहाँ पर। और
था। तो गाइस फाइनली शाम के 6 बज चुके थे और सब लोग खा चुके थे, बस थोड़ा मोड़ा 2-4 लोग रह चुके थे। तो हम तीनों देवरानियां जिठानियां लोग आपस में बैठ गईं और बहुत ज़्यादा तेज़ की भूख लगी थी। और गाइस फिर ये तीनों भाई एक साथ बैठ के बाद में खा रहे थे क्योंकि अभी 2-4 लोग बाकी थे। हम तीनों लोगों ने बैठ के खाना खाया गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बना था गाइस। बूंदी भी थी, रसगुल्ला भी था और पूड़ी, कचौड़ी, मटर पनीर और आलू कद्दू की सब्ज़ी और सैलेड और रायता। बहुत टेस्टी खाना था गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ख़ासकर स्पेशली जब अपनों के साथ बैठो, बहुत दिन बाद मिलो, तो गाइस वो मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, वाव होता है। और गाइस खाना वाना खा के सारा सामान वगैरह वहाँ पर समेट रहा था और ट्रैक्टर वगैरह में लद रहा था, सब लोग जा रहे थे, जो कैटरिंग वगैरह का सामान वगैरह आया था। और हम लोग फिर से पहुँच गए वापस से मंदिर में दर्शन करने के लिए और सब लोगों ने खूब फोटो वगैरह की क्लिक करवाई, उस टाइम आरती हो रही थी। तो गाइस यहाँ पर हम तीन बहुरानियाँ बन के ऐसे खड़े हैं। उसका रीज़न ये है कि जब प्रेरिका की शादी थी, यानी मेरे देवर की शिवम की शादी थी, तो मेरा भाई 3 साड़ियाँ लाया था, एक मेरे लिए, एक राधा के लिए, एक प्रेरिका के लिए। और वो सारी साड़ी बिल्कुल एक जैसी थी, बस उसका कलर थोड़ा सा चेंज था, एक पिंक था, एक रेड थी और एक ऑरेंज। तो ऑरेंज मेरे पास थी और उस टाइम सबके पास वही साड़ियाँ थी। तो प्रेरिका ने बोला चलो सब लोग एक ही तरह की पहनते हैं। और गाइस 7 बजे वहाँ आरती शुरू हो गई, फिर हम लोगों ने सब लोगों ने मिलके आरती की। उसके बाद फिर हम लोग घर गए गाइस। तो घर पे आप जानते हैं इतने टाइम बाद अगर घर वाले फैमिली वाले मिलते हैं तो बस क्या होता है, सिर्फ बातें बातें बातें। और गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आई सबके साथ। पूरी रात हम लोग 3-4 बजे तक बैठे रहे, चाय पिया, फिर रात को चावल बना, सब लोगों ने खाया। और इस तरह से यहाँ मान्यता है गाइस, देखिए खूब सारी घंटियाँ लगी हुई हैं और नारियल लगे हुए हैं गाइस। तो ये है लैना बाबा का मंदिर। तो गाइज उसके बाद मैं घर पहुंच के कुछ शूट नहीं कर पाई और सबके साथ खूब इंजॉय किया। और गाइज मेरा बड़ा वाला बेटा और छोटा वाला बेटा भी नहीं आया था, बेटी भी लखनऊ में थी तो वो लोग भी नहीं आए थे। और हम लोग रात को रुकेंगे, सुबह निकल जाएंगे क्योंकि हस्बैंड को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, एक दिन का परमिशन मिला था। तो गाइज इस तरह से आरती पूजा की, फिर सब लोग घर गए और घर में जाके सब लोग आराम से बैठ के चाय पिए और खूब सारी बातें की। और गाइस दीपावली के लिए प्रेरिका और शिवम भी हैदराबाद से आए थे तो उनसे भी मिलना जुलना हो गया था। क्या है ये, शिवम ने आपको गिफ्ट दिया है ना, टी शर्ट वुलन है। ये सारा भंडारे का खाना बचा है, थोड़ा मोड़ा बचा होगा। चलो राधा चलो। तो बस उसको कूट के भाभी वाला चाय बना दीजिए, बस ले जाने दीजिए। बना रही ना मंजू, क्या बना रही हो? ये है मंजू, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा नाश्ता बनाती है और उतने ही प्यार से खिलाती भी है। ये हम जाके अपनी रानी को दिखाएंगे जो बनाती है। नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है कि हाँ हमको जल्दी जाना है, ये वो जल्दी बना के खाना भागना है। ये है पुनीत शर्मा। ये है हमारे यहाँ करबी का मंदिर। अरे सास इन द सेंस कि हमारी सासू माँ यहाँ पूजा करती हैं।
ये मंदिर जो है उनकी छोटी, सबसे छोटी और नई नवेली बहू ने गिफ्ट किया है। ये मंदिर है, पूरा कमरा ऐसे मंदिर के रूप में सजाया गया है। ये देखो, वो हमारे गुरुजी हैं। कौन से? ये हमारी मम्मी के गुरुजी हैं, जिससे उन्होंने दीक्षा लिया है। ये सारे गिफ्ट विफ्ट भरे हैं। ये हमारी सासू जी का गोदरेज है, अलमारी। ये हमारी शादी में आया था, हमारी शादी में मिला था दहेज, ये हमने अपनी सासू माँ को गिफ्ट कर दिया है। मम्मी कहीं है कि बता दो। नहीं और क्या। हाँ मम्मी, आपको कुछ बोलना है? बहुत खुश है, भंडारा में हमारे सब लड़का बहुत तीनों आ गए, और हम बहुत प्रसन्न है इस बात से कि बहुत अच्छा भंडारा हुआ सब लोग। हाँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा भंडारा हुआ। मम्मी ने खूब दौड़ दौड़ के लोगों को खिलाया पिलाया, सब काम किया सब बच्चों ने। चलो हम लोग चल रहे हैं बाजार। तो गाइज, यहाँ पर मम्मी बहुत खुश थी भंडारे में सब लोगों के आने से, और काफ़ी वो अभी कमज़ोर हो गई हैं, बहुत ज़्यादा दुबली हो गई हैं, क्योंकि डेंगू हुआ था उनको, उसके बाद से वो थोड़ा सा वीक हो गई हैं। और गाइज, सबके आने से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। हम लोग मार्केट गए, वहाँ पर शॉपिंग की, उसके बाद घर आए, खाना वाना खाए, और प्रेरिका के भैया भी आए थे तो उनको लेके वो चले गए। उसके बाद हम लोग भी गाइज निकल गए, कुछ भी शूट नहीं किया। और गाइज, सब लोगों के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छा रहा भंडारा, और फिर हम लोग वापस झांसी के लिए निकल गए। तो गाइज़, यही थी मेरी वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।